सबसे छोटा स्टेशन यही होगा मेरे को ऐसा लग रहा है, क्यों होगा ना, तो उधर चला जाता है इस्लामपुर और इधर के साइड सारा जगह पेड़ा ही पेड़ा। ये देखो इधर भी पेड़ा, देखो यार ऑटो वाले को, मतलब ये लोग ना इतना ज्यादा गंदा काम करता है ना भाई, जहां तहां रोक देता है लोग। ये देखो एक आग लगता है एक लगाया जाता है, तो इन दोनों में फर्क क्या है बताऊं, इन दोनों में फर्क ही है ना। जय श्री राम गाइज, कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइज, जैसा कि देख सकते हो मेरे पीछे मेरा R15 बाइक है, जिसको कि मैंने अच्छे से बना दिया था और अभी अपन लोग निकल रहे हैं एक मस्त वाला वीडियो लाने के लिए, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी आज तक उधर मतलब हाँ गए थे, मतलब 2-3 बार गए, उससे ज़्यादा नहीं गए, बट स्टेशन कभी नहीं गए। तो आज अपन लोग जा रहे हैं एकंगर सराय और फिर एकंगर सराय का स्टेशन के बारे में दिखाएंगे, रेलवे स्टेशन कैसा है, वहाँ का प्लेटफॉर्म कितना है, स्टेशन है या फिर हाल्ट है या जंक्शन है क्या है, मेरे को पता नहीं है, बट वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। साथ ही मेरे साथ आप लोग को पता चलेगा और मेरे साथ जो साथ में बंदा जा रहा है ना उसको भी पता चलेगा, अभिषेक को, क्योंकि अभिषेक आज तक कभी नहीं गया वो स्टेशन। मैं तो एक बार शायद गया हूँगा बट बाहर से ही, लेकिन अंदर कभी नहीं गया है। तो चलो आज आप लोग को स्टेशन दिखाते हैं, कैसा स्टेशन है, कितने प्लेटफॉर्म है, प्लस कहाँ टिकट मिलती है, सारा कुछ दिखाएंगे। तो वीडियो कहीं भी मिस करना, वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी मिस मत करना। तो चलो चलते हैं गाइस। ये अपना R15 निकल चुका है, अभिषेक राइड कर रहा, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी राइड कर रहा, और फिर अपन लोग बैठे हुए हैं पीछे के साइड में, और इधर देखो गेहूं सारा कट चुका है। तो ये सब तो आप लोग पहले भी हर एक वीडियो में देखते होंगे, तो आज ये सब आप लोग को नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट रोड का व्यू दिखाएंगे और फिर डायरेक्ट स्टेशन में मिलेंगे गाइस। एक आग लगता है एक लगाया जाता है, तो इन दोनों में फर्क क्या है बताऊं, इन दोनों में फर्क ही है ना कि जो आग लगती है ना वो पूरे फसल में खुद से आग लग जाती है किसी का लुत्फ के कारण, बट एक आग लगाया जाता है क्यों, क्योंकि ये सब जो गेहूं कटने के बाद ना जो खुट्टी होता है ना उसका इतना लंबा लंबा निकला हुआ रहता है ना, उसको जलाने के लिए लोग आग लगाते हैं ताकि किसी का पाँव के समय चुभे ना, प्लस जब भी इसका जुताई हो ना, जब भी इसका जुताई तो काफ़ी अच्छा सा इम्प्रूवमेंट मिट्टी में होता है, इसके कारण आग लगाया जाता है और फिर आग लगने का मतलब होता है गाइस। इधर लगभग में ना ज़्यादातर खेत में ना आग लगा दिया गया है, जो कि मतलब कटने के बाद जो फसल कट जाती है ना गेहूं, उसके बाद आग लगा के इसको मतलब सही कर दिया जाता है ताकि किसी का पाँव में समय चुभे ना, प्लस हल अच्छे से जुता सके, नहीं तो टायर वायर पंक्चर हो सकता है इसके कारण से। और इधर देखो शायद मछली पालन इसमें होता है। तो अभी हम लोग परवलपुर पहुँच चुके हैं और फिर ये परवलपुर का मार्केट है, प्लस बीच में देखो यार ऑटो वाले को, मतलब ये लोग ना इतना ज़्यादा गंदा काम करता है ना भाई, जहाँ तहाँ रोक देता है लोग। और फिर ये देखो परवलपुर का मार्केट, परवलपुर ग्राहक केंद्र सेवा। तो यही थोड़ा बहुत छोटा मोटा ही मार्केट है, प्लस सारे लोग कोचिंग वोचिंग स्कूल ये सब जाते हैं। और फिर ये देखो बस टेम्पू ऐसा, और बस वाले को देखो, मतलब ये लोग ओवरटेक भी करने का ना कारण होता है, साइड में देख रहे हो ऊपर रोड पे ही चढ़ा के सारा गाड़ियाँ ये सब लगा देते हैं, देखो सारा रोड पे ही चढ़ा के, तो ये लोग चलेंगे कहाँ से भाई, तो इसी कारण से भी ओवरटेक करते, प्लस कुछ गाड़ियाँ तो जान के ओवरटेक करती है भाई। सवाए भी हम लोग एक कंगड्डी आ चुके हैं और फिर पीछे कंगड्डी का मार्केट था, और अभी आगे की साइड अपन लोग जाएंगे एकंगर सराय, और फिर वहीं पे अपना रेलवे स्टेशन है, और फिर ये कंगड्डी का कुछ मार्केट है, और फिर ये बरगद का पेड़ जहाँ पे लोग पूजा भी करते हैं, और इधर देखो भाई पूरा खलिहान, काफ़ी मस्त जगह लग रहा है कंगड्डी में को, और सामने की साइड मंदिर जय श्री राम, जय बजरंगबली और जय भोलेनाथ। तो अभी अपन लोग आगे चलते हैं, और फिर ये कहते हैं पेड़ महतावी है ना, वो भाई महतावी फर चुका है, अपना भी गांव में हो चुका होगा महतावी। और इधर देखो भाई मस्त मस्त सा व्यू है यार, अच्छा नज़ारा काफ़ी मस्त लग रहा है, क्योंकि सुबह का टाइम है ना तो अच्छा ही लगेगा नज़ारा भाई। पहले के साइड से अंदर घुसेंगे, और फिर अंदर होते के साइड से ना मतलब पटरी के साइड से अपन लोग सारा कुछ आपको बताते जाएंगे। और फिर ये देखो इधर का मार्केट भाई, एकंगर सराय का मार्केट,
ये मतलब मेन मार्केट नहीं है, मेन है ना जो वो सामने फाटक दिख रहा है ना, फाटक के बाद वाला मेन मार्केट है ये, तो मतलब एंट्री है ना, तो एंट्री में कुछ ऐसा ही, आगे का मार्केट ना काफी धांसू वाला मार्केट है यार। तो अभी तो अपन लोग चल रहे हैं और फिर स्टेशन की तरफ पहले लेंगे, उसके बाद आपको मार्केट बाद में दिखाएंगे गाइस। देखो इधर से एंट्री है स्टेशन का, अच्छा मेरे को लगा था ये ऐसे ही है, बट इधर से एंट्री है, सामने के साइड मेन एंट्री है, वहाँ पे देखो एक अंगर सराय आगे लिखा हुआ है, और फिर ये देखो इधर का ऐसे ही भाई एक अंगर सराय। नॉर्मली समय को लग रहा है एक दो प्लेटफॉर्म होगा, लाइक प्लेटफॉर्म तो मेरे को दो नहीं लग रहा है कि दो होगा, बट फिर भी गेस करते हैं, देखते हैं। स्टेशन के बाहर देखो सारे लोग खाना पीना वाला कैसे बेचते हैं भाई, और इधर से एंट्री है, टॉयलेट है जो भी है, वॉशरूम है सब है, और आगे से वो एंट्री देखो एक अंगर सराय। तो खास नहीं लग रहा मेरे को, बट फिर भी अंदर जाके देखते हैं, बाहर से तो कुछ भी लगता है कुछ भी गाइस, कुछ मतलब कोई घर भी देखो ना तो बाहर से जो अच्छा नहीं लगता ना, अंदर से काफ़ी मस्त। सो भाई ये स्टेशन है, ये देखो मतलब काफ़ी छोटा सा लग रहा है, एक ही पटरी है, देखो मेरे को लग रहा था एक ही होगा, क्योंकि मैं वहाँ से ही जब फाटक था ना, फाटक से ही पता चल गया था, वो जो फाटक सामने दिख रहा है क्रॉसिंग वाली, क्रॉसिंग से ही पता चल गया था कि एक ही पटरी होगा और सिंगल लाइन है ये, एक प्लेटफॉर्म एक अंगर सराय, वो सामने देखो उधर जाओगे ना तो उधर चला जाता है इस्लामपुर, और इधर के साइड हिलसा होते हुए, दनियामा होते हुए फतुहा, और फिर फतुहा से पटना, पटना साहिब, फिर राजेंद्र नगर, और फिर पटना जंक्शन, और ये देखो यहाँ से एंट्री है भाई। मतलब अंदर के साइड ना काफ़ी छोटा सा है, मतलब बहुत ही छोटा, एक छोटा सा काउंटर है, तो वो मेरे को दिखाने का उतना ये नहीं किया कि आप लोगों को दिखाए वो, तो काफ़ी छोटा स्टेशन है, स्टेशन नहीं हॉल्ट भी नहीं बोल सकते, बट फिर भी स्टेशन ही सारे लोग बोलते, तो स्टेशन ही सही, एक अंगर सराय स्टेशन, लाइक सामने की साइड देख सकते हो एक अंगर सराय लिखा हुआ, कोई हॉल्ट ये सब नहीं लिखा हुआ, बट फिर भी सही है। ये देखो कुछ लोग बोल रहा हॉल्ट है, कुछ लोग स्टेशन बोल रहा है, बट स्टेशन होता तो दो लाइन तो होना ही चाहिए था भाई, स्टेशन कोई भी स्टेशन हो ना तो उसमें दो लाइन होना चाहिए, बट ये सिंगल लाइन है, तो सिंगल लाइन को अपन लोग हॉल्ट ही बोल सकते हैं, बट आप लोग कमेंट करके बताना अपन लोग इसको हॉल्ट बोले या फिर स्टेशन बोले या फिर जंक्शन बोले। जंक्शन तो खैर कोई भी एंगल से जंक्शन नहीं लग रहा, स्टेशन भी होता है तो उसमें दो लाइन होता है, बट इसमें दो लाइन नहीं सिंगल लाइन है, जिसको सिंगल लाइन को हम लोग बोल सकते हैं हॉल्ट। तो अपने को तो हॉल्ट लग रहा है, बट आपको क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना गाइस। अभिषेक भाई क्या लग रहा है तुमको, स्टेशन या फिर हॉल्ट है? हॉल्ट है, हाँ मेरे को भी वही लग रहा है, बट फिर भी जो भी बोलो बहुत प्यारा हॉल्ट है, अगर हॉल्ट होगा ना तो भाई सबसे बड़ा सबसे मस्त वाला हॉल्ट यही होगा, और स्टेशन होगा ना तब मेरे को नहीं लगता बिहार सबसे छोटा स्टेशन यही होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपको शायद नेक्स्ट के नेक्स्ट वाली वीडियो में ना बेना का स्टेशन दिखाएंगे, जो कि बहुत ही छोटा था लेकिन अभी इतना ज़्यादा विकसित हो चुका ना कि आप लोग सोच नहीं सकते हो, तो शायद नेक्स्ट वीडियो अपना वही रहेगा। और फिर यहाँ पे देखो टिकट काउंटर है, सारा कुछ है, ये कुछ लोग बैठे हुए हैं अंदर, दिख रहा है शायद अंधेरा है ना इसीलिए नहीं दिख रहा होगा, बट फिर भी देख लो इधर ही टिकट काउंटर है सारा कुछ। तो भाई अभी तो अपन लोग यहाँ से निकलते हैं क्योंकि धूप भी काफ़ी ज़्यादा है प्लस। सो फाइनली गाइस मेरे को तो देखने में ऐसा नहीं लग रहा कोई खास स्टेशन नहीं लग रहा, बट बहुत लोग स्टेशन ही बोलते हैं, बट आपका क्या विचार है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ये स्टेशन है या फिर हॉल्ट है। हालांकि मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया, टिकट काउंटर इतना छोटा सा है ना, बट फिर भी यार स्टेशन में वो भी है ना, कहीं भी वो भी है ना, तो वो बहुत बड़ी बात है गाइज, और कहीं तो ये भी नहीं होता है, तो जहाँ पे है वहाँ पे खुशी वाली बात है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे बहुत दुखद वाली बात है, बट फिर भी मेरे को अच्छा लगा, छोटा है बट प्यारा है, बहुत ही प्यारा है, प्लस सारा ओपन है, कहीं भी बैठने का कोई जगह नहीं है, बैठने वाला भी जगह है ना तो धूप आती है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, तो अभी तो 9-10 बज रहा है, 11-12 बजेगा ना तो काफ़ी ज़्यादा चिलचिलापन वाली धूप आएगी, तो उस टाइम बैठने वाला कोई काम नहीं आएगा यहाँ पे, तो मेरे को तो लग रहा है ये हॉल्ट ही है, बट स्टेशन ही बोलो यार, क्योंकि जो भी एक अंगर सराय से होंगे ना दुखी मत मानना यार, बट स्टेशन काफ़ी प्यारा है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, डिसेंट वाला लुक लगा, बहुत प्यारा लगा। सो अपन लोग सोच रहे हैं यहाँ पे वीडियो को एंड करें, सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, और ऐसे हमारे वीडियो देखते रहना, तो बाय बाय, जय श्री राम गाइस, बाय बाय। ये देखो भाई एक अंगर सराय स्टेशन वाला बोर्ड पे भी ये लोग क्या क्या छाप दिया भाई, पोस्टर
तो ऐसा गंदा नहीं करना चाहिए यार, कोई भी बोर्ड पे ना ऐसा मत चिपकाया करो, क्योंकि स्टेशन का ये शान होता है भाई, मतलब शो होता है, इसी को पढ़ के ना लोग जानते हैं कौन सा स्टेशन है। बट ये देखो कैसा कैसा लोग बैनर चिपका दिया, नाम भी ना पता चलेगा, अगर कोई अनजान लोग आएगा ना कहीं से तो इंग्लिश, जो हिंदी ना जानता हो इंग्लिश देख के ना नहीं पढ़ पाएगा अच्छे से। बट ऐसा ना करना चाहिए।